नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने एक सबक लेकर के आया हूँ ताकि हम और आप मिल करके कुछ सीखें और उससे कुरान पाक सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। मेरे नाज़रीन, मैं आज नून साकिन और तनवीन का सबक लेकर के आया हूँ कि कुरान पाक जब हम और आप पढ़ते हैं तो किस अंदाज से पढ़ना चाहिए, यानी कि कहाँ पे आवाज़ तो हम नाक में लेकर के जाएंगे, कहाँ पे हम जाहिर करके पढ़ेंगे, इसी का आज ये सबक है। तो आज हम और आप इस सबक को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले नियत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हम ये इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इसकी बरकतें अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आइए आज का सबक नून साकिन और तनवीन, यानी कि जिस नून पे जज्म होता है उसे नून साकिन कहते हैं और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो जब नून साकिन और तनवीन कुरान पाक में आए तो उसे किस तरह पढ़ते हैं, उसी का ये फायदा है और उसी की बहस है। आइए हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। तो नून साकिन और तनवीन के चार कायदे होते हैं। पहला इजहार, यानी कि कहाँ पर नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ा जाता है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर हम और आप नून साकिन को और तनवीन को जाहिर करके पढ़ते हैं, यानी उसकी आवाज़ नाक में लेकर नहीं जाते हैं। उसी के बारे में समझते हैं कि नून साकिन और तनवीन के जो चार कायदे हैं उनमें से एक इजहार है, यानी कि कहाँ पे हम इजहार करेंगे। उसके लिए कायदा ये है कि इजहार हम उस वक्त करेंगे जब नून साकिन और तनवीन के बाद इन छह हरूफ में से कोई एक हर्फ आए तो उस वक्त हम नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी उसकी आवाज़ हम नाक में लेकर नहीं जाएंगे। तो वो कौन से हरूफ हैं? हमजा, हा, आईन, हा, गईन, खा। ये छह हरूफ हैं कि अगर ये हरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये हरूफ आए तो हम और आप उसे जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए, मिन अजली, यानी कि ये नून साकिन है, नून के ऊपर ये जज्म है और उसके बाद ये हमजा है, यानी कि और कायदा क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हमजा आए तो जाहिर करके पढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि ये नून के ऊपर जज्म है, यानी नून साकिन है और उसके बाद ये हमजा है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा पाया जाएगा और इसी की वजह से यहाँ पर हम नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी कि इसकी आवाज़ को हम नाक में लेकर नहीं जाएंगे। जैसे किस तरह पढ़ेंगे, तो मिन अजली, यानी कि नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे, नाक में लेकर नहीं जाएंगे।